द्वितीय वर्ष कला के संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव, सह आचार्य संस्कृत श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, ई कंटेंट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में नाटक छंद एवं अलंकार प्रश्न पत्र जोड़ा गया है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंद इसमें पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं और काव्य दीपिका अष्टम शिखा के कुछ अलंकार हैं वो इस पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया है। इसी क्रम में द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र के इस नाटक को भी 5 इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अंक जोड़ा गया है। द्वितीय इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम का ही चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अंक जोड़ा गया है और तृतीय इकाई के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम का सप्तम अंक है वो जोड़ा गया है। प्रथम प्रश्नपत्र की चतुर्थ इकाई में छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त जो छंद हैं, अनुष्टुप, आर्या, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, मालिनी, मंदाकांता, शिखरणी, शारदुत, विगड़ित, स्त्रगधरा, वसंत तिलका आदि जितने भी छंद हैं वे छंद लक्षण और उदाहरण के साथ में जोड़े गए हैं। और पंचम इकाई में काव्य दीपिका की अष्टम शिखा से जो अलंकार हैं, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, मालोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, संदेह, प्रांतिमान, अप्रस्तुत प्रशंसा एवं समासोक्ति, ये अलंकार लक्षण एवं उदाहरणों के साथ में जोड़े गए हैं। इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र है वह 5 इकाइयों में विभक्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक हैं 7 अंक 3 इकाइयों में है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इकाई में। चतुर्थ इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंद हैं और पंचम इकाई में काव्य दीपिका की अष्टम शिखा से संबंधित अलंकार हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यह प्रथम प्रश्न पत्र है वह इन 5 इकाइयों में विभाजित है और परीक्षा में प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वह 3 खंडों में आता है, खंड अ, खंड ब एवं खंड स। खंड अ है वह लघुत्रात्मक प्रश्न से होता है जिसमें 50 शब्दों में उस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 20 अंक उसके लिए निर्धारित हैं। 2-2 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और वे प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार कुल 10 प्रश्न 20 अंकों के 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाता है। द्वितीय खंड में 50 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 अंक का 1 प्रश्न है और प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अंक हैं, उन अंकों में से किन्हीं 2 श्लोकों की देकर के और उसमें से 1 श्लोक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, हिंदी व्याख्या। दूसरी इकाई में से अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अंक में से 2 श्लोक देकर किसी 1 श्लोक की सप्रसंग व्याख्या हिंदी में पूछी जाएगी।
तृतीय इकाई जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सप्तम अंक है, उस सप्तम अंक में दो श्लोक देकर किसी एक श्लोक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। तो तीसरा यूनिट है उसमें से सातवें अंक में से संस्कृत व्याख्या आएगी। चौथा यूनिट छंद का है जिसमें 10 अंक का प्रश्न आएगा, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रयुक्त छंद हैं उन छंदों का लक्षण, उदाहरण और उसमें मात्रा और गणों की परिगणना की जाएगी। चार छंद देंगे, उन चार छंदों में से किन्हीं दो छंदों की उदाहरण और लक्षण सहित व्याख्या होगी। पांच पांच अंक के दो छंद उदाहरण सहित लिखने होंगे। और पांचवी इकाई में अलंकार हैं जो काव्य दीपिका की अष्टम शिखा से हैं, उन अलंकारों में से किन्हीं दो, चार दिए रहेंगे, चार में से किन्हीं दो के अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण से पूछे जाएंगे, पांच पांच अंक के होंगे। इस प्रकार द्वितीय जो हमारी इकाई है, खंड है प्रश्न पत्र का, उस द्वितीय खंड में 50 अंक के पांच प्रश्न, प्रत्येक इकाई से 10 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तृतीय खंड है स खंड, वह निबंधात्मक प्रश्नों के लिए खंड है, उसमें 15 अंकों के दो प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 अंक की यह इकाई है और उसमें दो प्रश्न आएंगे, उसमें प्रथम से चतुर्थ अंक अर्थात पहले और दूसरी यूनिट जो है उसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम की घटनाओं से संबंधित प्रश्न हैं। प्रमुख जो पात्र हैं उन पात्रों का चरित्र चित्रण, जैसे दुष्यंत है, शकुंतला है, अनुसूया है, प्रियंवदा है, महर्षि कर्णव है, उनके ऊपर चरित्र चित्रण के ऊपर, या नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का मूल्यांकन, समालोचना, मूल कथा में क्या परिवर्तन हुए हैं ऐसे, और नाट्य सौंदर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का मूल्यांकन आदि के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा और चौथा जो प्रश्न होगा वह अंक 5 से लेकर 7 अंक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उनके घटनाक्रम पर आधारित होगा, जिसमें पंचम अंक के वैशिष्ट्य के बारे में, शारंगर और शारद्रथ के चरित्र चित्रण के बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रकृति चित्रण के बारे में, कालिदास की नाट्य शैली के बारे में, कालिदास की उपमाओं के बारे में और कालिदास का नाट्य साहित्य में स्थान क्या है इसके ऊपर, कवि एवं काव्य से संबंधित प्रश्न है वह इस दूसरे जो भाग है उसमें पूछे जाएंगे। कुल 4 प्रश्न दिए हुए रहेंगे, उनमें से 15 अंक के दो प्रश्न किए जाने होंगे। तो यह प्रथम प्रश्न पत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम है। हमें परीक्षा में क्या आएगा यह पहले से ही जानना आवश्यक है, इसलिए पाठ्यक्रम यदि हमें ढंग से पता होगा तो हम उसके अनुसार प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हुए और उसको समान वेटेज दे करके और हम उसका पालन करेंगे। धन्यवाद।